दोस्तों, वीवो ने आज वीवो U10 को लॉन्च कर दिया है कम प्राइस में अच्छी स्पेक्स के साथ। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है, वो भी 10000 से कम के प्राइस में। लगभग सेम प्राइस और सेम स्पेक्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है रियलमी का Realme 5। आज की इस वीडियो में दोनों फ़ोन को कंपेयर करेंगे, देखेंगे किस में आपको अच्छा फीचर मिलता है और ये भी बताएंगे कौन सा फ़ोन आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम फोन के डिस्प्ले की बात करें तो वीवो U10 में आपको 6.35 इंच का HD+ डिस्प्ले वाटर ड्रॉप गॉज के साथ मिल जाता है। वहीं Realme 5 में आपको 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिल जाता है। Realme 5 में आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलती है, डिस्प्ले में Realme 5 आगे निकल जाता है, पर जिन्हें ज़्यादा बिग डिस्प्ले नहीं चाहिए उनके लिए Vivo U10 अच्छी चॉइस हो सकती है। अब बात करें प्रोसेसर की तो दोनों ही फ़ोन में आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन का 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसमें एंड्रीनो 610 का GPU मिल जाता है। वीवो U10 में आपको अल्ट्रा गेमिंग मोड दिया गया है, जो कि स्पेशली गेमिंग के लिए बनाया गया है। अब बात करें स्टोरेज की तो वीवो U10 में आपको 3 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है, एक 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज, दूसरा 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज और तीसरा 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज। वहीं Realme 5 में आपको 2 स्टोरेज वेरिएंट मिलता है, एक 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज और दूसरा 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज। दोनों फ़ोन के कैमरे की बात करें तो वीवो U10 में रियर में AAA कैमरा मिलता है, प्राइमरी कैमरा 13 MP का 2.2 अपर्चर के साथ, दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए और तीसरा 2 MP का डेप्थ सेंसर के लिए। फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा 1.8 अपर्चर के साथ मिल जाता है। रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं Realme 5 में आपको रियर में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, प्राइमरी कैमरा 12 MP का 1.8 अपर्चर के साथ, इसमें आपको सोनी IMX486 सेंसर मिलता है, दूसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, तीसरा कैमरा 2 MP का मैक्रो शॉट के लिए और चौथा कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर के लिए। फ्रंट में आपको 13 MP का सेफ्टी कैमरा मिल जाता है 2.2 अपर्चर के साथ, इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और EIS का सपोर्ट मिल जाता है, तो कैमरे में थोड़ा सा आगे निकल जाता है Realme 5। अब बैटरी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको 5000 mAh का बिग बैटरी मिल जाता है। Vivo U10 में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, पर Realme 5 10W चार्ज को ही सपोर्ट करता है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल जाता है Vivo U। दोनों ही फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है, ड्यूअल 4G होल्ड का सपोर्ट दोनों ही फ़ोन में मिल जाएगा, दोनों ही फ़ोन में आपको सभी सेंसर मिल जाएंगे। बात करें सॉफ्टवेयर की तो Vivo U10 में आपको फ्रंट टच OS 9.1 मिलता है, जो एंड्रॉयड 9.5 पे बेस्ड है। वहीं Realme 5 में आपको कलर OS 6 मिलता है, ये भी एंड्रॉयड 9.5 पे बेस्ड। अब बात करें प्राइस की तो Vivo U10 के बेस वेरिएंट 3GB 32GB का प्राइस 8990 है, दूसरा 3GB 64GB का प्राइस 9990 है और तीसरा 4GB+64GB का प्राइस 10990 है। वहीं Realme 5 के बेस वेरिएंट 3GB 32GB का प्राइस 9999 है और दूसरा 4GB 64GB का प्राइस 10999 है। बेस वेरिएंट में Vivo U10 1000 सस्ता मिल जाता है। अब बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों ही फ़ोन में पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी मिल जाता है। Vivo U10 में बैक में ग्लास फिनिश दिया गया है, ये 2 कलर में आता है, इलेक्ट्रिक ब्लू और थंडर ब्लैक। वहीं Realme 5 में बैक में न्यू डायमंड कट डिज़ाइन दिया गया है, ये भी 2 कलर में मिल जाएगा, डायमंड ब्लू और डायमंड पर्पल। दोस्तों, ये था दोनों फ़ोन का कंपेरिजन। अब बात करें कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, तो अगर आपको मिडिल टाइप डिस्प्ले, 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, वीवो का ब्रांड और फ्रंट टच OS आपको पसंद है तो वीवो U10 आप खरीद सकते हैं। और अगर आपको 6.5 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले, वीवो U10 से थोड़ा अच्छा कैमरा और कलर OS आपको पसंद है तो Realme 5 आप खरीद सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।